जब से मैंने भूसा सेल किया है, मतलब फाइनल किए है कि सेल करेंगे, तब से ये मेरे को इतना ज़्यादा खींच रहा है इसके तरफ। लेकिन तो ये रखे 1000 RR SP और ये आगे, ओ माय गॉड, अब कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा भूसा और आज ये सर्विसिंग होने वाला है। सो ये जो जगह है, मैं सोचता हूँ कि इधर बाइक रखा करें, मतलब सुपर बाइक, तो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, स्पेस भी मिल जाता है, तो सीढ़ी से जब भी उतरेंगे देखने को मिल जाएगा। तो मैं अपना भूसा इधर नहीं रखता था, भूसा इधर ही रखता था जितना दिन था, और पहले फायर ब्रिगेड थोड़ा टाइम के लिए पहले इधर रखा था, लेकिन इधर से थोड़ा झमेला होता है, 2-3 गेट खोलना पड़ता है, तो फायर ब्रिगेड उतना निकालता नहीं था, तो इसीलिए फायर ब्रिगेड इधर रखता था, लेकिन भूसा तो रेगुलर निकालते थे, तो इसीलिए इधर रखते थे भूसा को। बुलेट रहता है उधर और इधर मेरा भूसा रहता था। तो ये जगह पे कौन सा बाइक जगह लेने वाला है, आप लोग ज़रूर से कमेंट करो। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज तक जितना सीवियर चलाया है फायर ब्रिगेड, सबसे स्मूथेस्ट एंड क्लीनेस्ट बाइक, ये बहुत मज़ा आया। अभी मैं डाउट में हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था, तो आप लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, कल मतलब इंडिपेंडेंस डे में इसको राइड पे लेके गए थे, क्योंकि मेरे को ये टेस्ट करना था, चेक करना था, तो ड्राइवर के पास था, तो ये सेल में है बाइक, तो मैंने सोचा एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। तो बाइक तो नो डाउट, सो अभी जा रहे हैं ये बाइक मतलब जॉय भाई के पास देने, एंड अपना भूसा जाने वाली है कल या परसों तक जाएगी, तो उसका सर्विसिंग ड्यू है, तो उसको आदेश भाई के पास दे के आ गए है, वो सर्विस हो रहा है, आज होगा। साउंड जो है बहुत बढ़िया साउंड है, बहुत मस्त साउंड है एकदम, मतलब अलग ही साउंड है यार, सीरियसली कान में उतना ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन लाउड बहुत ज़्यादा है। और मैंने अपना वो जिस ब्लॉग में भूसा सेल करने का बात किया था सब, कि मैं अपना भूसा सेल कर रहा हूँ, आप लोग अगर वो ब्लॉग नहीं देखे हो तो आई बटन पर लिंक आ रहा है ऊपर, देख लो। उस ब्लॉग में मैंने कहा था मजाक में कि मेरे को भूसा सेल कर रहे इसीलिए ताकि बहुत ज़्यादा पेट्रोल का प्राइस हो चुका है, तो मैं साइन लेने वाला हूँ। सो बहुत सारा भाई ने मेरे को साइन का पिक्चर भेजा, भाई ये साइन ले लो, ये बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है, मेरे को अच्छा भी लगा और काइंड ऑफ थोड़ा हंसी भी आया। मैं वो मजाक में कहा था, तो बहुत भाई ने सीरियस भी ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेटर दादा, ना इंडिकेटर ना कुछ, फट से लेफ्ट साइड चाहते, मेरा लेफ्ट साइड उनका राइट साइड, ये छोटा मोटा मिसअंडरस्टैंडिंग में ना बहुत बड़ा बड़ा गलती हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा नुकसान भी हो जाता है, थोड़ा बहुत ये देख के करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई गए तो एक बार दिखा देते अंदर क्या क्या अब तक काम हुआ है। ये सेट हो चुका है, ये मेरे को जितना तक लग रहा है टूल्स वगैरह, या फिर मेरे को नहीं पता, आदेश भाई को बुलाते हैं फिर कंफर्म करते हैं। और इसमें क्या क्या काम बाकी है, इधर तो और 7-6 दिन का अंदर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये किस चीज़ का है, इसमें सारा एक गाड़ी का सेटअप का, जैसे एयर गन हो गया, अच्छा उसका जो हम लोग का जो एयर मशीन से जो खुलता है, अच्छा अच्छा मतलब वो मतलब रेंज से नहीं खुलेगा, नहीं नहीं सब एयर, अच्छा एयर गन से खुलेगा। और ये जनरेटर है शायद, हाँ ये कंपोनेंट जनरेटर नहीं कंप्रेसर है, अच्छा कंप्रेसर है, क्या तो पूरा जितना हम लोग का जो 3 गो वर्कशॉप है सब में एयर जाता है इसमें, अच्छा 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 हम लोग का बोल्ट बोल्ट होता है एयर गन जिसको बोलते हैं, अच्छा अच्छा। और रैम तो एक आ गया है, और ये सब मशीन, ये वाला जो वॉशिंग वाला है, अच्छा वॉशिंग वाला है, प्रेशर वॉश जो है वो
इंजेक्टेड वाटर हो गया वो पहले आया था। हाँ वो वाला जो प्लग टेस्टिंग का है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट सभी आ चुका है, सिर्फ फिटिंग होने में जितना टाइम लगेगा। तो ये रहा भूसा और आज ये सर्विसिंग होने वाला है, हो जाएगा फिर निकल जाएगा। और अंदर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, आधा जाएगा गैरेज में, आप लोगों को सब दिखा दिया। अभी चलते ये जॉय भाई को देते और एक मशीन चलाएंगे। वो जो चीज़ है ना भाई, इतना मेरे को उसके तरफ खींच रहा है, बहुत ज़्यादा खींच रहा है। वो क्या चीज़ है आप लोगों को दिखाते हैं, चलिए। आगे जॉयस बाइक पॉइंट, क्या लेना जी भाई, बढ़िया भाई तो नहीं आया अभी तक। सो ये रखे 1000 RR SP और ये आगे, ओह माय गॉड, अब कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम ही है क्या है ये। और ये वन ऑफ माय फेवरेट लीडर क्लास मशीन है भाई, सीरियस। और उसका रीज़न क्या आप लोगों को पता ही है, ये जो बैक पैर मारता है ना भाई थ्रॉटल डाउन करने से ही, बहुत हेवी लगता है ये। इतना ज्यादा बैलेंस इसका सही है भाई, मतलब अलग ही बैलेंस है इसका, बैलेंसिंग ब्रेकिंग माशाल्लाह। मैंने सोचा इतना ज़्यादा लाउड है एक पुलिस तो रोकेगा, लेकिन रोका नहीं। और जब से मैंने भूसा सेल किया है, मतलब फाइनल किए है कि सेल करेंगे, तब से ये मेरे को इतना ज़्यादा खींच रहा है इसके तरफ। लेकिन फॉर सम रीज़न, वो रीज़न क्या है वो आप लोगों को ज़रूर से बताएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खींचता है भाई, बहुत मन करता है इसको। और ये सिटी के अंदर हर सुपर बाइक की सिटी के अंदर अभी तो इतना आदत सा हो गया है कि जितना भी कोई सुपर बाइक हो सिटी के अंदर, उसको डॉज मारने में या फिर इजीली निकालने में कोई दिक्कत तो होता नहीं है। क्योंकि मैं भूसा मेरे पास था, तो भूसा बहुत हैवी वेट होता है एंड बहुत बड़ा होता है, तो उसको अगर इजीली निकाल सकते हैं ना, तो कोई भी बाइक आपको इजी लगेगा। सो ये स्पोर्ट्स बाइक बहुत ही इजी लगता है, तो लाइट वेट बहुत फील होता है मेरे को पर्सनली। ये बाइक इतना तो स्पोर्ट्स बाइक चला है, लेकिन ये बाइक सबसे लाइट फील होता है मेरे को। आप लोग सिर्फ साउंड का मजा लो, आज फुल ऑफ साउंड मिलेगा आपको, और पटाखा के ऊपर पटाखा। आज का वीडियो में मैंने जितना कोशिश किया आप लोगों को साउंड सुनाने को, मतलब फुल ऑफ साउंड सुना रहे आप लोगों को, आप लोग साउंड एंजॉय करो। बहुत भाई लोग साउंड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप लोगों को जो सही लगे। साउंड वाला वीडियो, मतलब भरपूर साउंड वाला वीडियो इधर एंड करते और ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आप लोगों को कोई भी ऐसे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो को एंड कमेंट करना कि क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या आने वाला है। लेट्स होप फॉर बेस्ट। लेकिन भाई ये मेरे को बहुत ज़्यादा खींच रहा है, सीरियसली ऑन भूसा के जाने के बाद बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा। बट देखते क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस, बाय बाय।